जिंक्स, पहले के जमाने में ना ये देखने को नहीं मिलता था क्या कि वाइव्स टूर पे जा रही हैं और एंजॉय कर रही है क्रिकेट। यानी सचिन तेंदुलकर की वाइफ ज़्यादा नहीं आती थी, राहुल भाई की वाइफ ज़्यादा नहीं आती थी, मगर अब देखने को मिलता है कि पूजा, राधिका और रितिका हमेशा ग्राउंड में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, सब जगह वो आते हैं तो एक मोरल बूस्ट भी होता होगा? मोरल बूस्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप देखें तो आजकल के ज़माने में हम इतने क्रिकेट खेलते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, अगर वाइफ हमारे साथ नहीं आएंगी तो हम हमारी शादी नहीं बचेगी। मतलब कंपलसरी उनको आना ही है और हमारे साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना है। लेकिन 11 महीना क्रिकेट है हमेशा, मीन ऑलमोस्ट हम लोग 300 से ज़्यादा दिन साल में ट्रैवल करते हैं, और जब अब आते हैं हमेशा एक हमारा मोरल अच्छा बूस्ट हो जाता है और एक कंपनी भी होती है। बहुत बार मज़ेदार किस्से होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टूरिंग पे बस बहुत मज़ेदार किस्से होते हैं। एक बात ऐसी है जो एक वेस्ट इंडीज़ में, जब सारे वाइफ एक साथ आ रहे थे, हमें याद है हम वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज था हमारा और दो मैच के बाद वो आने वाले थे, तो बाबेडोस में उन्होंने लैंड किया और जैसे लैंड किया उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनके पास आए और उनको लेके जा रहे थे, तो उनको लगा इंडियन क्रिकेटर्स की वाइफ है तो हमें आराम से मस्त अभी बिठाएंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट, लाउंज में लेके जाएंगे, कुछ चाहिए आपको खाने के लिए पीने के लिए पूछेंगे और फिर आराम से करेंगे। लेकिन उसका मेन रीज़न ये था, उनको ऑफिस में लेके गए क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं था। और जब उनको पता चला वीज़ा नहीं था, सभी लोग पैनिक कर गए थे और हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे फ़ोन्स बंद थे, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते। लकीली रितिका जो रोहित की वाइफ है उनका इंटरनेशनल रोमिंग ऑन था, उन्होंने रोहित को कॉन्टैक्ट किया और बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है और हमें यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने रुकाया, हमें आगे जहाँ सेंट लूसिया में उन लोग आने वाले थे वो आने नहीं दे रहे। तो हमारे जो मैनेजर थे टीम इंडिया के, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से बात की और लकीली वीज़ा तुरंत सॉर्ट आउट हुआ। तो ये किस्सा मतलब हमेशा, मतलब उनको शायद लगा होगा कि अरे चलो क्रिकेटर्स की वाइफ है तो आराम से लाउंज में बिठाएंगे, यस एकदम ईजी। बट जब सेंट लूसिया में जब उन लोग आए तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ था और हमें लगा तो घबरा गए होंगे ना, एकदम घबरा गए थे। और उन्होंने कहा कि हमें लगा कि हमें अभी बाबेडोस से ना इंडिया जाने देंगे ना सेंट लूसिया आने देंगे। तो ऐसी चीजें भी होती है एकदम।